हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीबी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 65 प्लस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज फॉर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों लॉकडाउन के बाद पहली बार इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आ रही है, तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी पैकेज क्या होगा और दोस्तों कैसे अप्लाई करना है। सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं अन अकेडमी लाया है अन अकेडमी कॉम्बैक इंडियाज लार्जेस्ट फोर्टनाइट कंपटीशन फॉर गेट एग्जाम। इसके अंदर दोस्तों आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन फेस करने को मिलेंगे, क्रिएटेड बाय द बेस्ट अन अकेडमी एजुकेटर्स। और दोस्तों इसके अंदर सुपर फास्ट एंड फन विद रियल टाइम रैंकिंग आपको मिलने वाली है, कौन लीडर बोर्ड पर है ये भी आप जान पाओगे। देन दोस्तों कम्पीट विद द बेस्ट, दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है वो इंडिया लेवल पर होने वाली है, ऑल इंडिया लेवल पर होने वाली है, तो आपको जो इंडिया के बेस्ट लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उनके साथ कम्पीट करने का मौका मिलने वाला है। देन दोस्तों डिटेल वीडियो सॉल्यूशन बाय दी टॉप एजुकेटर्स, मतलब दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर है इनके द्वारा आपको एक डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी उस क्वेश्चन का मिलेगा। देन कम्पीट क्रैक एंड कॉन्क्यूर, राइट दोस्तों, स्कोर मिलेगा, लीडर बोर्ड मिलेगा, रैंकिंग मिलेगी और अवार्ड्स भी मिलने वाले हैं, जैसे कि फर्स्ट रैंक को एप्पल मैकबुक एयर मिलेगा, सेकंड को एप्पल आईपैड मिनी, थर्ड को एप्पल एयरपोर्ट्स मिलने वाले हैं और टॉप 100 रैंकर्स को थाउजेंड रुपीज के अमेजन वाउचर्स मिलने वाले हैं। तो जाइए दोस्तों अपने आप को फ्री में एनरोल कराइए, राइट, दिसंबर 16 शाम 6 बजे ये जो टेस्ट होने वाली है, तो इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा पावर यूटिलिटीज में, दोस्तों 18 वैकेंसीज है। हरियाणा पावर यूटिलिटी इनवाइट्स दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर असिस्टेंट इंजीनियर, दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर इंजीनियर्स के लिए दोस्तों 18 वैकेंसीज है। इसके अंदर दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 168, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल 15 और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 18 वैकेंसीज है। तो दोस्तों इसके एजुकेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, मतलब बी दोस्तों आपका होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और 50% मार्क्स और एस सी एस टी के लिए। और दोस्तों अगर आप मास्टर डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट, तो मिनिमम बी के लिए, बी क्वालिफाई जो है उनके लिए ये वैकेंसीज है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम दोस्तों 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 42 ईयर्स के जो कैंडिडेट है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 ईयर्स फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस एंड 10 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। पे स्केल की बात करें तो पे मैट्रिक्स दोस्तों 53,000 से लेके 1,67,000 रुपीज तक का है, मतलब बहुत अच्छा पे स्केल आपको मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इन 80% नॉर्मलाइज मार्क्स आउट ऑफ 100, राइट, 80% मार्क्स होने चाहिए 100 में से, मतलब 18 मार्क्स होने चाहिए। गेट 2019 या 20 एग्जाम में मैंने बताया कि अन अकेडमी जो है गेट की फ्री टेस्ट ला रहा है 2019 और 2020 में, अगर आपके 80% मार्क्स है तो आप इसके अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं। नो विंडो इंटरव्यू बी कंडक्टेड आउट ऑफ द पोस्ट बींग एडवर्टाइज बाय, दोस्तों इंटरव्यू नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा, राइट। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 500 रुपीज़ फॉर मेल कैंडिडेट जनरल के लिए, राइट, और 125 फॉर फीमेल कैंडिडेट एस सी एस टी जो भी है उनके लिए 125 रुपीज़ होगा। एंड द फी पेमेंट दोस्तों सारा जो होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है। हाउ टू अप्लाई, दोस्तों अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू हरियाणा पावर यूटिलिटी पोर्टल, जैसी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रूँगा, hrpower.org। फ्रॉम 7 दिसंबर से दोस्तों ये स्टार्ट हो गया है, तो आप जल्दी से अप्लाई करिए। लास्ट डेट दोस्तों 8 जनवरी 2021 मिडनाइट तक है, 8 जनवरी की तक का आपके पास टाइम है अप्लाई करने के लिए, राइट। इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो 7:12 से स्टार्ट होगा 10 बजे से, क्लोजिंग डेट दोस्तों 8/1/2021 11:59 मतलब मिडनाइट तक ये आपका होगा, क्लोजिंग डेट दोस्तों यही है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ त्रिपुर एमएसटी जॉब ऑनलाइन पोर्टल 28 दिसंबर से दोस्तों ये स्टार्ट हो जाएगा, राइट, और लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म 11 फरवरी तक होगा। लास्ट डेट फॉर ऑनवर्ड एडमिट कार्ड विल बी अनाउंस लेटर और डेट ऑफ टेस्ट दोस्तों अनाउंस लेटर, राइट, मतलब आपको अप्लाई करना है 8/1/2021 मिडनाइट तक। वेबसाइट की बात करें तो hrpower.org, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं।
SIRD मणिपुर सेक्शन ऑफिसर जो है राइट, उसके लिए वैकेंसीज है 36 वैकेंसीज है। दो SIRD मतलब दोस्तों स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट मणिपुर राइट, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है यहाँ पे जिसके अंदर आपको अप्लाई करना है। तो उसके अंदर सेक्शन ऑफिसर सिविल जो है उसकी 36 वैकेंसी है, इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं आप। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन ऑफिसर सिविल के लिए डिप्लोमा बी सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 38 ईयर्स तक की होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन 5 साल SC ST और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए और 3 साल की रहेगी OBC कैंडिडेट के लिए। कंसल्टेशन सैलरी कितनी होगी, लेक्चरर को 60,000, सेक्शन ऑफिसर जो है उसको 15,000 पर मंथ दी जाएगी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों रिटर्न टेस्ट होगा, एप्लीकेशन फी 500 फॉर जनरल कैटेगरी, 300 फॉर SC ST एंड OBC कैटेगरी, नो फी फॉर PWD कैंडिडेट्स, ओके। अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबल कैंडिडेट के अप्लाई इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, फिल इन इन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट राइट। आप ऑनलाइन भी कर सकती है, ऑफलाइन भी दोस्तों यहाँ पे 30/12/2020 के 3 बजे से पहले आपको सबमिट करना है, ठीक है। और वेबसाइट जो लिंक है मैं आप दे रहा हूँ www.igau.edu.in पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों है TAHDCO रिक्रूटमेंट 2020-21, 10 वैकेंसीज है। तमिलनाडु आदि द्राविडर हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड राइट, मतलब होता है TAHDCO चेन्नई, इनवाइट द एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट सिविल इंजीनियर से फॉर फिलिंग अप द 10 वैकेंसी, 10 वैकेंसीज है राइट। तो सिविल असिस्टेंट इंजीनियर की 10 वैकेंसी के लिए है ये जो रिक्रूटमेंट है। एज लिमिट 18 से 30 साल जनरल एंड अनरिजर्व, मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए एज लिमिट फॉर SC ST राइट, कोई मतलब ऐसा है कुछ है नहीं राइट। रिलैक्सेशन और पे स्केल की बात करें तो लेवल 16 के अंदर 36 से लेके 115,000 तक का पेमेंट मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बात करें तो बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होना चाहिए राइट। नॉलेज ऑफ तमिल है दोस्तों ये एक कंपलसरी है इसके अंदर। सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी, बेस्ड ऑन सिलेबस एग्जामिनेशन बी कंडक्टेड थ्रू द ऑनलाइन, सब हो दोस्तों ऑनलाइन होने वाला है। ओरल टेस्ट होगी, इंटरव्यू एंड रिकॉर्ड्स के अंदर एग्जाम सेंटर चेन्नई, कोयम्बतूर, मदुराई, सलेम और तिरची होगा राइट, इसके अंदर एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें तो 400 बेसिक रजिस्ट्रेशन रहेगा, 400 एग्जामिनेशन फी फॉर जनरल BC MC एंड DNC कैंडिडेट एंड 400 बेसिक रजिस्ट्रेशन फी फॉर द SC ST एंड डिफरेंट एबल पर्सन राइट, डिफरेंटली एबलेट पर्सन राइट। तो 400 टोटल 800 रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए और SC ST के लिए सिर्फ 400 रहेगा। वेबसाइट जो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड जाके अप्लाई कर सकते हैं राइट। उसके बाद है HSL रिक्रूटमेंट 2020-21, 2 वैकेंसी इसके अंदर। HSL मतलब दोस्तों हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इज लुकिंग फॉर द डायनेमिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग मैनेजर लेवल पोजीशन एंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है एंड ऑल्सो द परमानेंट बेसिस भी है राइट। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के बाद आपको परमानेंट भी इसके अंदर किया जा सकता है। तो उसके अंदर 2 वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बात करें तो फुल टाइम डिग्री इन सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स होना चाहिए और मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। सिलेक्शन प्रोसेस ग्रुप डिस्कशन और डायरेक्ट आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है कि जो HSL की वेबसाइट है HSLVISAG.in पर जाके आपको 8/1/2021 मतलब 8 जनवरी 2021 5 बजे से पहले आपको अप्लाई करना है राइट। और इम्पोर्टेंट की बात करें तो 9 दिसंबर से ये जो है एप्लीकेशन फिल करना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट वैसे बताई 8 जनवरी 2021 शाम को 5 बजे से पहले, ओके। तो ये है दोस्तों डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स आपको अप्लाई करने के लिए। वेबसाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा यहाँ से जाके और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है IIP रिक्रूटमेंट 2021, 3 वैकेंसीज है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम रिक्वायरमेंट राइट, IIP मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम रिक्वायरमेंट 2020-21। तो इसके अंदर दोस्तों आपको CSRI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून इनवाइट दी एप्लीकेशन, देहरादून में है जॉब है दोस्तों। मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट इंजीनियर और सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए ये जो है जॉब वैकेंसीज है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एज लिमिट दोस्तों 30 ईयर्स से, अगर 30 ईयर्स से कम है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल दोस्तों यहाँ पे 55,000 से लेके 1,42,000 तक आपका हो सकता है।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बात करें तो मिनिमम आपका बीटेक इक्विवेलेंट 55% इन सिविल इंजीनियरिंग के अंदर अगर है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस जो होगी, रिटर्न टेस्ट होगा, OMR और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ट्रेड और स्किल टेस्ट आप अगर ज़रूरत है तो, और इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होता है तो ये एक्स्ट्रा टेस्ट लिया जाता है। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ पे टू SB कलेक्ट, मतलब आपको बैंक में पे करना पड़ेगा, राइट। और नो फी फॉर SC ST और वुमेन एंड CSR एम्प्लॉय इन एब्रॉड कैंडिडेट, राइट। तो 100 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन फी। अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू IIP ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों। यहाँ पर जाके आपको 21/12/2020 से पहले ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है फिल कर देना है। इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो 21/12 से ये स्टार्ट होगा, राइट। लास्ट डेट दोस्तों 28/12 तक ही रहेगा और टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी अनाउंस लेटर, राइट। 21/12 को स्टार्ट होगा, 28 क्लोज हो जाएगा, तो जरूर दोस्तों इसको टाइमर लगा के रखिए, तभी दोस्तों आप इसको याद रख पाएंगे। वेबसाइट की लिंक दोस्तों ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सारी जो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल CV Concept।